हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निकुले रेक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो आज हम जिस चीज़ पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक सॉन्ग है नागालैंड का, वॉइस ऑफ नागालैंड इसका टाइटल है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नागालैंड हमारी जो सात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिन्हें सात बहनें भी जो है बोला जाता है, उनमें से एक स्टेट है। और इस स्टेट ये स्टेट ज़्यादातर जो ट्राइबल स्टेट है, और यहाँ के लोगों को बहुत बहादुर समझा क्या होते ही हैं, बहुत बहादुर माना जाता है ये, क्योंकि ये थोड़ा ट्राइबल कम्युनिटी होती है। और यहाँ पर ना, मतलब अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होते बहादुर होते हैं, मतलब इतने बहादुर कि अंग्रेज भी इनसे जो है डरते थे। अंग्रेज़ों ने मेनलैंड इंडिया पे तो काफ़ी मतलब उनका कंट्रोल था, पर उस तरफ उनका कुछ खास कंट्रोल नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है कि वो अपने दुश्मनों का ना सर काटने के लिए बड़े फेमस, तो इस करके अंग्रेज़ भी उनसे काफ़ी खौफ खाते थे। और वैसे उनकी हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है, वो तो हमें कुछ ज़्यादा जो है पढ़ाया नहीं जाता है, बाकी अगर वहाँ के लोगों से पूछोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितने जो है ब्रेव होते हैं। तो ये थी स्टोरी, सॉरी ये थी इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मैं चाहता था कि आप लोगों को मालूम पड़े। तो अब शुरू करते हैं क्या है सॉन्ग। और वीडियोस कंट्रीब्यूट कंसीडरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन कम्युनिटीज और इन नागालैंड। वाओ, पहाड़ी song. तेलुगु पाकिस्तान कैसे अब कहाँ आता है
तो ये थी वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। वैसे इसके जो टाइटल है, टाइटल से लगा था कि सिर्फ नागालैंड के बारे में ही होगी, कि जो वहाँ अलग अलग ट्राइब्स हैं वो अपना अपना थोड़ा कल्चर जो है वो दिखाएंगे, पर इसमें तो जो है पंजाबी थे, बिहारी, राजस्थानी, तेलुगु। तो मतलब ये वीडियो बेसिकली थी इंडिया की यूनिटी को दिखाने के लिए, कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है और फिर भी लोग साथ में रहते हैं। वैसे कमाल है ना, हमारा हमारा देश भी मतलब बहुत कम देश है पूरी दुनिया में ऐसे जहाँ इतनी अलग अलग मतलब जो है कल्चर और इतनी अलग आइडियोलॉजी के लोग साथ में रह रहे हैं। सही में कमाल है देश। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, पर वहाँ का कल्चर भी सही में देखने लायक है। वैसे मेरा तो बहुत मन है कि मैं कभी पूरा नॉर्थ ईस्ट अच्छे से घूमूँ, क्या करें मौका ही नहीं मिल रहा है अभी। तो कोई ना, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जल्दी घूम पाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि मैं भी कभी जाऊँ वहाँ पर और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, दिखाऊँ कि वहाँ का जो है कल्चर कितना अच्छा है। और मैं एक बात और ना ऐड करना चाहूँगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ मेनलैंड इंडिया में। ठीक है, मतलब मेनलैंड इंडिया से मतलब है जो ये है ना हमारा जो 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 मेन स्टेट्स हैं, जैसे कि ये नॉर्थ वाली जो स्टेट्स हैं बिहार से लेके गुजरात तक का, और नीचे जो है कन्याकुमारी से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर वाले लोग का, क्योंकि ये इन लोगों का जो जो, जो अपीयरेंस है हमारा वो उनसे काफ़ी अलग है। हम थोड़े से मतलब हमारी जो हम जैसे हम दिखते हैं वो वैसे नहीं दिखते हैं, उनका उनका कल्चर भी हमसे थोड़ा सा अलग है, बट वो इंडियन है। तो उनके साथ जो
डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना उनको यहाँ पर, जब वो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो चिंकी चुंकी सब बोलते हैं लोगों ने, और ऊपर से कई बार तो मतलब उनको इंडियन समझा बन जाता, जबकि मैंने काफ़ी बातें और न्यूज़ सुनी है कि वो ना साफ से बोल रहे होते हैं कि हम मणिपुर से हैं, और लोगों को ये भी नहीं पता कि मणिपुर इंडिया में है। तो भाई अगली बार कोई नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो वहाँ से कोई अगर कोई आता है और वो आपको ये बोलता है कि मैं नागालैंड से हूँ, असम से हूँ या मणिपुर से हूँ, और आपको नहीं पता कि मणिपुर और वो सब कहाँ है, तो ये फिर आपकी गलती है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इंडियन हो कि नहीं हो, क्योंकि भाई अगर आप इंडियन हो और आपको इंडिया के स्टेट्स के बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो या फिर आपकी गलती है, उन लोगों की गलती नहीं है। ठीक है, तो वो देखिए ये बात तो है कि उनकी जो अपीरेंस है वो थोड़ी एशियन से ज़्यादा मिलती जुलती है, मतलब जैसे कि चाइनीज़ और जापानीज़ या फिर फिलीपींस के जो वो वाला जो एशिया का पार्ट है उनसे उनकी अपीरेंस काफ़ी मिलती जुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मतलब इंडियन नहीं है। नाम रट लो, हमारी जो सात बहनें हैं नॉर्थ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी, और वहाँ से कोई बोलता है कि मैं असम से हूँ, नागालैंड से हूँ, तो भाई वो इंडियन है और उसे इंडियन की तरह ही ट्रीट किया करो। और वैसे ही अगर कोई अंडमान निकोबार से आता है तो उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी अफ्रीकन टाइप की होती है ना, जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं थोड़ा सा उनका वैसा होता है, वो भी इंडियन है, इंडिया के बारे में थोड़ा जान लो। सही, मुझे ना काफ़ी बुरा लगता है कि उनको कैसा लगता होगा कि वो इंडियन है, फिर भी उनको यहाँ मेनलैंड इंडिया में आके उनको प्रूफ देना पड़ता है कि वो इंडियन है। ठीक है, वो हिंदी नहीं समझते, हिंदी उन्दी उनको नहीं आती है, या फिर कोई और मतलब उनकी अपनी है लैंग्वेज है, फिर मतलब ओवरऑल ये कहना है कि थोड़ा जान लो और उनके साथ ऐसा बिहेव मत किया करो यार, काफ़ी बुरा लगता होगा उन्हें। बाकी ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी, सॉन्ग काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा मैसेज दे रखा है इससे, तो इस नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देखिए सुनिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेनलैंड इंडिया वालों को ज़्यादा से मालूम पड़े कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्या कल्चर है और कैसे लोग हैं वहाँ के। चलिए आज के बस इतना ही, बाय बाय।